और सुनो मुसलमानों, और सुनो मेरी माँ बहनों, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो देखो तायब का मैदान है, तबलीगी सफर है, बच्चों के हाथों में संकर है, नबी आखरी समा के नालेन मुबारक लहू से तर है। लेकिन जब उसी मक्के की सरजमी पर जुल्म का खात्मा होता है तो अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब इस्लाम का बोल मारा करते हैं। अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो देखो तपती हुई रेत है, जुल्मों का पहाड़ है, कोड़ों की बौछार है, लेकिन चुबा पर एक ही सदा अहद अहद। जुल्म में इजाफा किया जाता है, भारी भरकम पत्थर सीने पर रख दिया जाता है, लेकिन चुबा पर एक ही सदा अहद अहद। अगर वहीं पर जुल्म का दौर खत्म होता है तो उसी दलाल हस्ती को इस्लाम का पहला मोहसिन बनने का सर हासिल होता है। अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो फिरौन की दरबार में मूसा की ललकार को देखो, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो नमरूद के दरबार में इब्राहिम की तकरार को देखो, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो तलवार के सायों में हुसैन के इनकार को देखो, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, पड़ता है तो मिट जाता है, और जब तक ये जुल्म बढ़ेगा हम लोग मिटाने के लिए सड़कों पर बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम हिंदुस्तान के संविधान के लिए लड़ रहे हैं।